सकाल आदाब, नमस्ते, प्रेम छो। तो ठीक है, बस मुझे इनका शर्ट प्रेस करना है, जल्दी से करती हूँ, इनकी तैयारी करके दे दूंगा। क्या तुम देखो, तुमको डालना बना रही, खा थोड़ा सा मसाला डाल, डालने तो डालो। अब रिलैक्स लग रहा है मुझे ना, शहरी के वक्त यहाँ खड़े होना इतना अच्छा लगता है। ये जो रोड है ना, अभी देखो ट्रैफिक इतना खाली होता है, कोई आवाज़ नहीं होती रात के 3:30 बजे के बाद, 4:15 बजे के टाइम में यहाँ पर काफ़ी टाइम जो है खड़ी रहती हूँ तस्वीर पढ़ते हुए, और वो जो खामोशी होती है ना उसको एनालाइज करती हूँ। ये देखो हमारे चंदा मामा, अभी जो है मौसी कुकिंग कर रहे हैं, वो सब्ज़ी बनाएंगे जो शहरी में खाएंगे, आटा गूंथ के रखेंगे, और बच्चे जो है मॉर्निंग में आती हैं मौसी सब बनाती हैं। आज बन रही है ज्वार की रोटी विद कीमा, ये बन रही है अल्तमश हमारे लिए, कौन अरबी के पत्तों के पान की ना, हाँ। अरबी के पत्तों की जो ग्रेवी वाली सब्जी होती है वो लकी के लिए बन रहा है कीमा हरे प्याज और हरे धनिए में, और विद ज्वार की रोटी जो लकी करेंगे सहरी में, क्योंकि अभी तो लकी क्लब चले जाएंगे तो आ जाएंगे जल्दी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो खाना पीना हो ही जाएगा। तो मैं लगती हूँ अब अपने काम पर, मतलब हुरैन के जो कपड़े हैं इन सबको जो वहाँ से लाई थी, इतने और कपड़े आ गए, अब एक्चुअल हुरैन की वार्डरोब जो है पूरे तरीके से सेट होगी, तो उसको सेट करते हैं क्योंकि लकी जाएगी रात में 10 बजे, जब तक इंशाल्लाह मेरा काफ़ी सारा काम हो जाएगा। और ये इतनी प्यारी विंडो है यहाँ की, इससे हवा ऐसी आती है जैसे एसी भी फेल है, काश मैं आपको वीडियो में ये हवा भी देखो, कर्टन्स करती हूँ, ये देखो कैसे उड़ रहे हैं, इतनी प्यारी हवा है यहाँ से, हवा पूरे घर में आती है और ऐसा लगता है कि बस जैसे पूरे घर में एसी स्टार्ट हो गया है, दिन हो रात हो, तो ये प्लस पॉइंट है इस रूम का। गाइस भाभी मेरे से झगड़ा कर रहे हैं। नहीं अपने बीच में झगड़ा किया ना, नहीं फिर भी मैं आऊंगी, लकी में झगड़ा करती क्या, हमने झगड़ा, तुम बताओ मेरे से झगड़ा, फिर भी कितने पेशेंस है मेरे अंदर, भाभी आप नाराज हो ना, फिर भी मैंने आपको मनाऊंगी, मैं आपसे नाराज हूँ, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, हम मैं मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते, हम कभी बीच में अपने बीच आदमियों को भी जाने देते, नहीं नहीं वो भी नहीं चलेगा, वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी भाभी आदमी लोग नहीं करते, लेडी औरतें करती। वाओ वीडियो चालू है, हाँ हाय हाय हाय, पेन ना था ना, दे दो ना इनके पास, छूट गए अभी पॉलिटिक्स में आ गए ना भैया, अभी जिम कर लेना भाभी, हाँ गाइज ये रेडी हो गए जाने के लिए, भाभी हमको लेके नहीं जा रहे, बताओ घर की लक्ष्मी ही घर बैठी है, ग्रैंड ओपनिंग में लेके जाएंगे तुमको, हमको सुधर जा सुधर जा, देखो मैंने इतने कपड़े दिए इतने, तू लेके नहीं आया सब, देखो अकल नहीं है, अच्छा लग रहा है वैसे बोलना तो, हाँ हो गया ना। हेलो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल आदाब, नमस्ते, प्रेम शो, ये लो पूरे नेला पूरे, एक्चुअली मैं जा रहा हूं प्रोग्राम में, थोड़ी सा आगे अपने माया पे श्री, तो जा रहा हूं, एक्चुअली तबीयत खराब है फिर भी जा रहा हूं, और कुछ बातें करना है कल कर लेता हूं आने के बाद, मतलब मैं जगती रहूं, क्या चाहिए आपको, देखिए उसका क्रेज दीदी का,
ओके अल्लाह। कितनी स्मार्ट लग रही है तू, जा करती मैं भी जा रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। सहरी का वक्त हो चुका है और घर में ऑलमोस्ट सभी जग रहे हैं, बच्चे भी, क्योंकि अल्दमज के एग्जाम्स हो चुके हैं और हुरैन जब तक मैं ना सोऊं तब तक नहीं सोती। तुम भी तहज्जुद पढ़ लो पहले। हाँ जी। वेरी गुड मॉर्निंग हो गई है। एक्चुअली ताज्जुद का वक्त है, अभी सहरी हमारी हुई नहीं है। मैंने जस्ट अभी जोए दूध के साथ चौकोस खाए थे। सहरी में रोज़ रोज ना पराठे सब्जी एकदम उसे खाई नहीं जाती, तो मैं उसको बैलेंस रखने के लिए दूध और बनाना खाती हूँ। और मैं क्या करती हूँ, दो घंटे पहले थोड़ा बहुत खाना स्टार्ट कर देती हूँ, तो फिर वो एक साथ नहीं खाया जाता, इसलिए थोड़ा थोड़ा खाती रहती हूँ। और माशाल्लाह रमज़ान में रात में भी जो है सड़कों पे रौनक होती है, इस वक्त भी काफ़ी अच्छा जो है लग रहा है यहाँ पे लाइटिंग। और पता है इतनी रात में देखो घरों में लाइट्स हमारी, मतलब जो हमारे की जो सोसाइटीज़ हैं आजू बाजू की, वहाँ पर रात के वक्त जो है लाइट्स ऑन दिखती हैं, तो समझ आता है कि कहाँ कहाँ सहरी हो रही है। वेल अभी चलते हैं लकी को पराठे बनाने, लकी के लिए उनको तो सहरी करनी है, और मैं दूध बनाना लेके दैट्स इट फजर पढ़ के फिर अब सोऊंगी, क्योंकि पूरी रात में सोई नहीं। अभी लकी को सहरी के लिए थोड़ा सा टाइम है, ही सेड कि थोड़ा सा 20 मिनट बात करते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक चीज़, जितनी भी मेरी बहनें मुझे कमेंट्स करती हैं ना, जैसे कि हमारे लिए दुआ करना, हमारा घर हो जाए, औलाद हो जाए, जायज़ दुआएँ हैं ना। एक मुमकिन चीज़ होती है आपकी ज़िंदगी में जो दुआओं के थ्रू कबूल हो जाती है, एक नामुमकिन चीज़ होती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी नामुमकिन चीज़ भी कबूल हो जाए, तो मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगी आज जो आपको तहज्जुद में करना है, सिर्फ 3 दिन करना है, बहुत इजी है। और जैसे आज तक मैंने आपके साथ जितने वजीफ़ा शेयर किए हैं उसके मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स आप लोगों ने कमेंट्स के थ्रू बताएं कि आपकी हाजत पूरी हुई है, इंशाल्लाह 1000% इसमें भी आपकी दुआएँ जो कबूल होएगी, मतलब नामुमकिन चीज़ सोचो जायज़ दुआएँ तो ऐसे कबूल होएगी। तो आप जो है कंटिन्यू बने रहना, आज मैं सहरी करवा के मॉर्निंग में उठ के जो है अच्छे से, मतलब कहीं कुछ गलती ना हो, ऐसे आपके साथ जो है पूरा वजीफा शेयर करूँगी, ठीक है। तो अभी मैं रेडी कर रही हूँ इफ्तार की, कुछ प्रिपरेशन करके रख रही हूँ। आज मैं आपके साथ सिर्फ 3 डिशेज की रेसिपी शेयर करूँगी, इजी एंड क्विक रेसिपी जो इफ्तार में बहुत ज़्यादा लजीज लगती है। उससे पहले मैं आपके साथ वजीफा शेयर करूँगी, इफ्तारी रेडी करें उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वजीफा। कुछ वक्त ऐसे होते हैं दुआओं के जो बिल्कुल कहते हैं ना तीर निशाने पे लगना, जाके दुआएं सीधी कबूल होती है, तो उनमें से एक वक्त है तहज्जुद। नमाज हम पे फ़र्ज़ है, अगर आप नमाज की पाबंदी नहीं करते तो कोशिश करें कि नमाज की पाबंदी करें। और कभी ऐसा हो कि जैसे मेरा शेड्यूल काफ़ी पैक हो गया है अल्तमश के साथ, उसे पिक एंड ड्रॉप करना मैं खुद करती हूँ, तो मैं फिर आकर तुरंत जो अपनी कज़ा पढ़ती हूँ, तो ऐसे अगर वजह है इट्स ओके, अदरवाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो आप जिक्र सुने कार के अंदर, ये सब चीज़ें हमारी ना हमारी इबादत में काउंट होती है। तो नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले वो करें एंड देन आप वजीफा करें तो और अच्छा है। तो तहज्जुद का वक्त बेस्ट टाइम है, अगर आप चाहते हो कि 100% आपकी दुआ कबूल हो, तो जो ये वजीफा है आपको करना है तहज्जुद में। वैसे आप जुम्मा वाले दिन असर मगरिब के बीच भी कर सकते हो, लेकिन तहज्जुद हर दिन आपको मिलती है, और रमज़ान की तहज्जुद तो माशाल्लाह 70 गुना ज़्यादा इसके सवाब जो है बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको नियत करनी है 2 रकात नफल सलातुल हाजत की, ठीक है। आप मेल हो फीमेल हो या कोई बच्चा है, कोई भी ये नमाज़ पढ़ सकता है।
सबसे पहले आप नियत कर लो, जैसे हम नॉर्मल वजू करके नियत करते हैं। मैं नियत करती हूँ 2 रकात नफल सलातुल हाजत की, रुख मेरा अल्लाह का मुकाबला शरीफ की तरफ, खास अल्लाह ताला के वास्ते। उसके बाद आपने अपनी सना पढ़ी और आपने सूरह फातिहा पढ़ी। उसके बाद आपको बिस्मिल्ला शरीफ के साथ 50 बार सूरह इखलास पढ़ना है, ठीक है? आपको सूरह इखलास यही 50 times 50 बार पढ़ना है। और उसके बाद फिर आप रुकू में गए, फिर आप सजदे में गए। जब आपने सजदा किया सुभान रब्बिल आला, जब आप 3 बार पढ़े, तो उसके बाद आपको 40 बार आयत करीमा की आयत सजदे में ही पढ़नी है, 40 मरतबा, ठीक है? कौन सी? ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज ज़ालिमीन, ठीक है? ये आपको 40 times पढ़नी है। फिर आप सीधे हुए, उसके बाद आप दोबारा सजदे में जाते हैं, है ना? पहली रकात में दोबारा सजदे में जाते हो, तब आपको 3 बार सुभान रब्बिल आला के बाद फिर 40 बार पढ़ना है आयत करीमा की सेम आयत, ठीक है? कितने बार पढ़ लिया आपने? 80 बार। ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज ज़ालिमीन, ये कितने बार होगी? 80 times। अब आप फिर खड़े हो गए, फिर आपने सूरह फातिहा पढ़ी, फिर आपको सेम बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ 50 times सूरह इखलास पढ़ना है, ठीक है? फिर आप रुकू में गए, फिर आप सजदे में गए, फिर पहला सजदा आपने किया सुभान रब्बिल आला, फिर आपको सेम 40 बार पढ़ना है आयत करीमा की आयत 40 बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ, ठीक है? तो ये आपकी कितने बार हो जाएगी? फिर आप सीधे हुए, फिर आप सजदे में गए, फिर आपने 3 बार सुभान रब्बिल आला पढ़ा, फिर आपने 40 मरतबा आयत करीमा की आयत पढ़ी ला इलाहा इल्ला अंता। तो पहली रकात में 2 बार सजदे में 80 times और दूसरी रकात में 2 बार सजदे में 80 times, मतलब 160 times हो जाएगी आयत करीमा की आयत ला इलाहा इल्ला अंता, और 100 times हो जाएगा सूरह इखलास, ये याद रखना। अब आप इसको बोलते ना कि इमेजिन करते हुए कैसे, मतलब नमाज में तो हिलना नहीं है, तो कैसे आप इमेजिन करते हुए उसको सही तरीके से पढ़ते हो? ये बहुत कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना है। मुश्किल से मैं बताऊं, अगर आप बहुत धीरे पढ़ोगे तो 15 मिनट, अदरवाइज 10 से 12 मिनट हार्डली जो है टाइम लगता है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। उसके बाद आपको अल्लाह की बारगाह में हाथ फैला के अपनी हाजत मांगनी है और इंशाल्लाह 1000% आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप ये वजीफा करना और हमेशा की तरह कॉमेंट से मेरे साथ शेयर करना। आगे रमजान सीरीज में भी मैं आपके साथ इसी तरीके के पावरफुल वजीफाज जो है शेयर करूंगी, जो खुद मैंने पहले प्रैक्टिकल किए हैं, मैंने बहुत के साथ शेयर किए हैं, उनको भी इसके रिजल्ट्स मिले हैं और उसके बाद में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलो अब हम रेडी करते हैं इफ्तार। ऐसा हो ना कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, वीडियो को 2-3 बार सुनो, अदरवाइज जहाँ पे कॉमेंट्स आप करते हो ना वहीं पर मैं अपना कॉमेंट जो है राइटिंग में पिन कर दूंगी, तो आप उसका स्क्रीन शॉट लेना, अच्छे से पढ़ना और सही तरीके से वजीफा करना। कुछ भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कॉमेंट करके पूछना, मैं रिप्लाई कर दूंगी। तो मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ कस्टर्ड पाउडर और साबूदाने की खीर, जो कि बहुत यम्मी होती है, जिसके लिए मैंने 1 ग्लास टोन मिल्क ले लिया है, कस्टर्ड पाउडर, साबूदाना, ड्राई फ्रूट का बुरादा, शुगर और रात भर भिगो के रखे हुए बादाम मैंने लंबे लंबे कट कर लिए हैं। अब हम एक पतीले में जो है टोन मिल्क ऐड कर लेंगे, टोन मिल्क होगा तो इसका टेस्ट और फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। उसके बाद ये जो बादाम है हम ये भी डाल लेंगे, और जो ड्राई फ्रूट का बुरादा है काजू बादाम का वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे, और उसके बाद इसमें शुगर भी डाल देंगे और फिर से अच्छे से चलाएंगे। ये चीज़ें हम पहले इसलिए डालेंगे कि जैसे जैसे दूध गर्म होगा तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स है इसमें इसका पूरा ही जो अर्क है वो निकल आएगा और ये अच्छे से पक भी जाएंगे। जब जैसे ही दूध गर्म होगा हम इसमें डालेंगे साबूदाना और फिर से अच्छे से चलाएंगे, एंड देन हम इसमें मिक्स करेंगे हमारा कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर मैंने मैंगो फ्लेवर का लिया है, जिससे इसका जो फ्लेवर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, वैसे आप वैनिला भी ले सकते हैं। जब इसे हम अच्छे से चलाते रहेंगे और खीर ये पक जाएगी, साबूदाना पूरा ऊपर ऊपर आ जाएगा, तो ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप इसमें केसर ऐड करें, इससे इसका कलर और इसका फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तब इसे इफ्तारी में आप सर्व करेंगे। अब जो सेकेंड डिश है हम बनाने जा रहे हैं साबूदाने के वड़े, जिसके लिए हमने 2 छोटे साइज़ के जो पोटैटोज़ हैं उन्हें बॉईल करके रख लिया था, तो इसे मैश कर रही हूँ। ये मैशर मुझे बहुत अच्छा लगता है, आने वाले दिनों में पाव भाजी बनाएंगे, इसको देखकर याद आ गई। तो जैसे ही पोटैटोज़ मैश हुए हमने साबूदाने का पूरा ही पानी जो है निकाल लिया है, 1 घंटे के लिए साबूदाने को भिगो दिया था, तो वही मैंने इसमें ऐड किया है। अब जो है हमने इसमें हरा धनिया, हरी मिर्ची और जीरा ये डालकर अच्छे से इसको जो है मिक्सर में ग्राइंड कर लिया। उसके बाद इसमें डालेंगे सॉल्ट और इसमें डालेंगे हम साबूदाने बड़े का मसाला, गरम मसाला, और इसमें हम 2 टेबलस्पून डालेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालने से जो है ये काफ़ी कुरमुरे बनेंगे। सेंगदाना बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। तो अब हम इसे अच्छे से जो है मिला लेंगे और इसका एक बहुत ही फाइन डो जो होता है वो रेडी कर लेंगे। जैसे हम आटा गूंथते हैं आटे का डो बनता है, सेम वैसा ही डो बनेगा, और जब ये ऐसा डो बन जाएगा तो आप समझ जाना कि आपके साबूदाने का जो डो है बिल्कुल से रेडी है। अब इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब जो हमारी थर्ड डिश है वो है कबाब। तो हम सेम जो मिक्सर का पॉट है उसमें हरी मिर्ची, अदरक के टुकड़े, जीरा और डालेंगे चिकन, और इसे अच्छे से जो है हम ग्राइंड कर लेंगे।
जैसे इसकी पेस्ट बनेगी उसे एक बाउल में निकाल लेंगे और फिर कुछ चीज़ें हैं ऑप्शनल है, आपको जैसे पसंद आता है जो जो अच्छा लगता है आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसके अंदर डाला है कटा हुआ प्याज और हरी मिर्ची, हरे धनिए की, जीरे की पेस्ट, थोड़ा सा अदरक के टुकड़े की पेस्ट और नमक डाला है और कबाब का मसाला बिल्कुल भी आप स्किप ना करें क्योंकि कबाब के मसाले से इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। एंड देन हम इसमें एक एग जो है वो डाल देंगे। जो ये एग है आप इसका येलो वाला पार्ट भी डाल सकते हैं और नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हैं। फिर हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका ये कबाब का जो पेस्ट है वो थोड़ा सा पतला हो गया है तो टेंशन नहीं लेना है, आप उसमें थोड़ा सा घी ज़रूर ऐड करें, चाहे तो आप ऑयल भी कर सकते हैं। मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा गीला है तो मैंने इसमें जो है ब्रेड जो क्रम्स होते हैं वो डाले हैं, घर पे ही मिक्सर में जो है ब्रेड्स को घुमा लिया। वो डालने के बाद डो काफ़ी अच्छा हो गया था और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा गीला है तो आप क्या करें कि एक दो घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दें, उसके बाद ये बिल्कुल से सेट हो जाएगा। अब इफ्तार के वक्त हम इसे फ्राई करेंगे और इन्जॉय करेंगे। तो हम सब ने मिलकर की इफ्तारी और उसके बाद की जो थकान, इसके बाद मैंने सहरी से जो अपना नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर लिया है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।